अलग अलग कारणों से बच्चों में होने वाली कुपोषण की समस्याओं को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ के संस्कृति जिले में स्नेहिल कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। प्रायोगिक रूप से सफलता प्राप्त होने के बाद अब एक नए लक्ष्य के साथ इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लेकर मैदानी अमले के अलावा जन प्रतिनिधियों के सहयोग से स्नेहिल कार्यक्रम का संचालन नवीन जिले शक्ति में प्रारंभ किया गया है। समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बच्चों में कुपोषण के पीछे मूल कारण क्या है और इसे दूर करने के लिए क्या कुछ किया जाना होगा। सरकारी अस्पतालों के साथ ही दूसरे स्तर पर जन जागरण और संबंधित कोशिश करने के साथ लोगों को जानकारी दी जा रही है कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें और समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श लें। शक्ति के CMHO डॉक्टर सूरज राठौर ने बताया कि स्नेहिल योजना के डेटाबेस के आधार पर काम किए जा रहे हैं। फिलहाल इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं और हम आगे भी अच्छे परिणामों को लेकर आशान्वित हैं। जिसमें जो है कुपोषित बच्चों को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करने के लिए उन्हें गोद दिया जा रहा है, किन कारणों से कुपोषण के शिकार हुए उन कारणों को पता किया जा रहा है तथा उन कारणों का निदान करने का हर संभव प्रयास इस जिले में किया जा रहा है। इसी कार्यक्रम को जिला स्तर पर कलेक्टर मैडम के मार्गदर्शन में स्नेहित कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए पहले फॉर्मेट्स डेवलप किए गए थे, अभी हाल ही में इसकी रिपोर्टिंग्स करने के लिए ऐप स्नेहित ऐप डेवलप किया गया है, जिस ऐप के माध्यम से प्रत्येक कुपोषित बच्चे के संबंध में संपूर्ण सामान्य तथा चिकित्सकीय जानकारी अपलोड की जा रही है और उन जानकारियों को फिल्टर करके ये देखा जा रहा है कि इन बच्चों में कुपोषण का कारण क्यों है और उस कारण का निदान कैसे किया जा रहा है। कुपोषित बच्चों के मामले में इस तरह की समस्या आखिर क्यों है और कितनी जल्द इसे निराकृत किया जाए, इसे लेकर प्रशासन भी सतर्क है। कलेक्टर ने बताया कि प्रारंभिक चरण में 200 बच्चों के लक्ष्य पर हमने काम किया था और 65 बच्चों को एक निश्चित समय पर सामान्य स्थिति में लाने में सफलता हासिल की। इसलिए अब 1000 बच्चों के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। मेडिकल नीड्स के अलावा अन्य पहलुओं पर हमने ध्यान दिया है। 200 का हमने लक्ष्य लिया था तो लगभग उसमें 65 ऐसे बच्चे हैं जो अभी सामान्य श्रेणी में आ चुके हैं। अभी हमने लक्ष्य को बढ़ा करके लगभग 1000 बच्चों को हमने गोद लिया है, जिसमें गोद लेने वाले RHO हैं, CHOs हैं, ANM है, मितानिन है और कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं जो आगे आकर के इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इसका सॉफ्टवेयर भी लॉन्च कर दिए हैं जो अभी बीटा वर्जन गया हुआ है। और साथ ही बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का मेडिकल नीड है उसको देखने के लिए भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों को जो मेडिकल नीड की आवश्यकता है उसको केटर करने के लिए भी हम लोग अगले हफ्ते उसका भी कार्यक्रम स्टार्ट कर देंगे। शक्ति जिले में कुपोषण के खिलाफ जो लड़ाई संयुक्त रूप से चल रही है उसके अब तक के परिणाम संतोषजनक रहे हैं। प्रशासनिक इकाइयों के विकेंद्रीकरण को लेकर प्रदेश सरकार ने जांजगीर चांपा से विभाजित कर शक्ति को अलग जिला बनाया है। इसके साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए काम किए जा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि स्नेहिल कार्यक्रम के अंतर्गत शक्ति जिले के अधिकतम कुपोषित बच्चों को पूरी तरह से स्वस्थ करने में सफलता प्राप्त होगी। शक्ति से ACN News के लिए भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।